हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष त्रिवेदी आपका क्रिएटिव त्रिवेदी चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा बताने वाला हूं, क्योंकि अगर आप जब भी गूगल पर सर्च करते हो तो कुछ नया आपको देखने को मिलता है। तो अगर आज आप गूगल पर सर्च करेंगे इडियट वर्ड, तो आपको क्या देखने को मिलता है? ये देखिए, सर्च हो चुका है और आपको क्या देखने को मिला यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, आपको डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति। अब ऐसा क्यों हुआ, इस बारे में जब सुंदर पिचई साहब जो गूगल के सीईओ हैं उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग सा जवाब दिया। वॉशिंगटन में जब सर्च इंजन गूगल के सीईओ सुंदर पिचई साहब मंगलवार को डेटा चोरी, चीनी सेंसरशिप, राजनीतिक भेदभाव, इन मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे अमेरिकी सांसदों से, तो उस समय अचानक रिपब्लिकन सांसद जो लॉफग्रेन है उन्होंने एक सवाल पूछा कि गूगल पर जब भी हम इडियट वर्ड सर्च करते हैं तो उन पर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें क्यों सामने आती है। तो इस पर सुंदर पिचई थोड़े सरप्राइज हो गए, लेकिन उन्होंने इस बात का जवाब दिया और लॉफग्रेन के साथ पूरे सांसदों को समझाने की कोशिश की कि गूगल का एक एल्गोरिदम है, वो किस तरह से काम करता है। उन्होंने बताया कि गूगल पर अरबों कीवर्ड्स सर्च होते हैं, उनमें से कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो बार बार सर्च किए जाते हैं, और उन कीवर्ड्स पर वो पर्टिकुलर व्यक्ति की फोटो दिखाता है, पर्टिकुलर किसी जानवर की फोटो दिखाता है, तो इस तरह से एल्गोरिदम काम करता है। तो इस संदर्भ में हम अगर भारत की बात करें तो हमारे यहाँ पर दो वर्ड बहुत फेमस है, एक तो फेंकू और एक पप्पू। जब इन दोनों वर्ड्स को हम सर्च करते हैं गूगल पर तो हमें पर्टिकुलर फोटो दिखाई देती है, तो फिर हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या सर्च कर लेते हैं हम। पहला वर्ड मैं सर्च करता हूं फेकू, देखते हैं क्या दिखाई देता है। जी आप बिल्कुल सही हो, यहां पर रिजल्ट आपको मिल चुका है आपके कीवर्ड का। चलिए अब दूसरा वर्ड सर्च करते हैं पप्पू, देखते हैं क्या देखने को मिलता है, और रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल आपको ये मिला है पप्पू वर्ड से। सो बिल्कुल पिचई साहब की बात बिल्कुल सही है कि एल्गोरिदम पर काम करता है गूगल का सर्च इंजन, और आप किसी वर्ड को बार 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 सर्च करते हैं तो वो वर्ड एक पर्टिकुलर व्यक्ति की फोटो या पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी देता है। तो कैसे लगी आपको ये बात, बताएं हमें, लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें इसे। थैंक यू सो मच।